एक सेकंड गुजरात के अंदर आए हैं, हम इतना तो कह सकते हैं कि गुजरात की जनता जागरूक हुई, लेकिन अभी बहुत ही जागरूक होने की जरूरत है। पॉलिटिकली सूरत, राजकोट और अहमदाबाद के कुछ इलाकों में 12 से 15 सीटों पर जो 200 से लेकर 800 और हजार तक जो हार जीत का जो अंतर रहा है, वहां पर ईवीएम टेम्परिंग का बड़ा मुद्दा है। गुजरात के अंदर सूरत और खास तौर पे राजकोट के अंदर मैंने देखा, एक बहुत ही सोचने वाली बात यह है कि जिस ईवीएम के अंदर रिकाउंटिंग हुई है उसी के अंदर कई बार चेंज हुए हैं। मतलब कोई 300 वोटों से जीत रहा हो, रिकाउंटिंग होती है तो वो 6000 वोटों से जीता हुआ है, लखा भाई भरवाल की जहां तक विरंगाव की बात है। तो ये सारी बातें ईवीएम के लिए भी सोचने वाली बात है। मैंने पिछले 3 दिनों से लगातार इसी मुद्दे पर बातचीत कर रहा हूँ और मैंने जहां जहां जिस जिस विधानसभा क्षेत्र को लेकर जो मैंने ट्वीट की थी, वो देखने वाली बात है कि वहां पर 200 300 400 वोटों से का या भाजपा जीती या कांग्रेस जीती है। दूसरी बड़ी बात है कि ना मैं कोई राजकीय पार्टी या ना कोई मैं किसी पार्टी का पदाधिकारी हूँ, ले स्वाभाविक है कि हमारा जो आंदोलन है वो जारी रहेगा और मजबूताई से, मतलब आने वाली 25 तारीख जल्द से जल्द इस आंदोलन को शुरू करेंगे। दूसरी एक बड़ी और समझने वाली बात यह थी कि सूरत के अंदर जो वराछा सीट है, कामरेड सीट है, वहां पर 1 लाख से अधिक पटेल समुदाय के वोट है, तो वहां पर जो हार जीत का मायना रखता है वो ये नहीं रखता कि हम हारे या हम जीते, लेकिन बड़ा मुद्दा ये रखता है कि इतने सारा क्राउड सभा में होने के बावजूद भी ये सारा मामला क्यों हुआ। दूसरी एक बड़ी बात है कि कई सारे ईवीएम जो बिना सील हुए खुले थे, मतलब राजकोट ग्राम्य के अंदर था, विजय भाई रूपाणी जो सीएम थे उनके एरिया के अंदर था, मानसा के अंदर था, विसनगर के अंदर था और कामरेज और वराछा के अंदर। तो ये सारे मुद्दे भी सोचने लायक है। और बड़ी बात तो यही कहूंगा कि हमारी जो बातें थी वो हमारे स्वार्थ की नहीं, जनता के अधिकार की और स्वार्थ की थी। हार जीत मान लो जो भी हुई है, लेकिन मैं कहता हूँ कांग्रेस पार्टी को और बहुत सारे विपक्ष के दलों को भी एकजुट होकर ईवीएम के खिलाफ मुहिम छेड़नी चाहिए। अगर एटीएम हैक हो सकते हैं तो ईवीएम क्यों नहीं। अगर रिकाउंटिंग में जो मतगणना हुई थी, अगर रिकाउंटिंग में उसके अंदर चेंज होता है तो इस पर सोचने वाली बात है। मुझे भरोसा है कि गुजरात की जनता ने जो भी निर्णय लिया है अच्छा ही लिया था, लेकिन पैसों के जोर और पूरे हमारी भाषा में हम यहाँ पर कहते हैं घटिया सोच के दिमाग की वजह से ये पूरा प्लान भाजपा की ओर से किया गया। ये कोई चाणक्य फाणक्य की रणनीति नहीं थी, ये तो पैसों का जोर और कहीं ना कहीं कुछ इलाकों में जो ईवीएम का मामला चलाया वो बड़ा मुद्दा है। हमारा आंदोलन आने वाले दिनों में जल्द से जल्द शुरू होगा और वही आरक्षण का मुद्दा, वही किसानों की कर्जा माफी और किसानों को सही फसल के दाम देने का मुद्दा और बेरोजगारी के मुद्दे पर हम लड़ाई जारी रहेंगे। और मुझे भरोसा था, मैंने कहा था कि हार जीत मतलब भाजपा 100 सीट, 98 सीट या 102 सीट और कांग्रेस 80 सीट, 82 या 85, मतलब कोई ईवीएम पर शंका ना कर सके ऐसा माहौल बनाया गया है। कोई बात नहीं, गुजरात के अंदर
टेम्परिंग करके चुनाव जीतने वाले भारतीय जनता पार्टी को मैं शुभकामनाएं देता हूं कि आने वाले 5 साल हमारे जैसे आंदोलनकारियों के खिलाफ आपको हम पर अत्याचार तो करने पड़ेंगे, हम जेल में जाने के लिए तैयार है, लेकिन हमारी लड़ाई जारी रहेगी वही खुमारी के साथ, वही अभिमान के साथ और वही दादागिरी के साथ, एक क्रांतिकारी भावना से हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ते रहेंगे। हार्दिक, प्रमाण है आपके पास जो आप ईवीएम की बात कर रहे हैं, किस प्रमाण के आधार पर आप कह रहे हैं? देखो घनी बदी जगह, लास्ट टाइम आप देख सकते हो कि 6 या 7 पाटीदार एमएलए कांग्रेस में थे, इस बार ज्यादा हो गए। मतलब पाटीदार इलाकों में तो काफी भाजपा के खिलाफ रुझान आए, मतलब वोट डाले गए थे, लेकिन जहां तक मैं कह रहा हूँ सूरत और अहमदाबाद पूर्व और राजकोट के अंदर जो चीज देखने को मिली वो 100% यही है, ताकि आप भी मुझे सवाल कर सके कि हार्दिक का जादू नहीं चला। लेकिन मैं बार बार यही कहता हूँ कि मैं एक आंदोलनकारी हूँ, मेरा काम था सिर्फ भाजपा के खिलाफ काम करना, क्योंकि उन्होंने हमारे समाज पर अत्याचार किया। लेकिन बड़ा मुद्दा यही है, क्या भाजपा सत्ता के अंदर बैठ गई है तो इन करोड़ों लोगों का आंदोलन गलत था? अगर हार्दिक अकेला मांगता तो गलत था, हार्दिक के साथ 100 लोग 50 लोग या 1000 लोग मांगते तो गलत था। आज 1 करोड़ से ज्यादा लोग भाजपा के खिलाफ लड़ रहे थे, वो एक बड़ा मुद्दा है। स्वाभाविक तौर पर हम कह सकते हैं कि भाजपा जीत गई, और सही है कि जो जीता वही सिकंदर, चाहे वो 93 सीटों से जीता हो, लेकिन उसको हम जीत कह सकते हैं। हार्दिक, आपके सवाल को जोड़ते हुए, नोटा के जो कैंडिडेट है 5 लाख वोट तो सिर्फ नोटा को मिला है, 180 का आंकड़ा अभी चल रहा है, कांग्रेस की परफॉर्मेंस अच्छी हुई है, वोट प्रतिशत ज्यादा, नहीं जो के मुकाबले बीजेपी डाउन है, ईवीएम टैंपरिंग कैसे आखिर? देखो मैं यही कहता हूँ कि आपने भी कहा कि कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया है, ताकि हम ईवीएम पर कि ज्यादा से ज्यादा शंका ना कर सके कि ईवीएम में कुछ नहीं हुआ, क्योंकि अगर लाना था तो बीजेपी 125 ला लेती और कांग्रेस को 60 तक खड़े कर देते। देखो मैं यही कहता हूँ, जो जीता वही सिकंदर, कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया नहीं किया वो मेरे लिए मायने नहीं रखता। हमारे लिए मायने ये रखता है कि जनता, आज हम स्वतंत्र भारत में रहते हैं, हमने वोट किया, उसके बाद भी हम सोच रहे हैं कि हमारा वोट सही जगह पड़ा है या नहीं पड़ा, वो एक दुख की बात है। और मैं बार बार कहता हूँ कि कैलकुलेटर के अंदर ऑफ की स्विच नहीं होती, फिर भी हम उसको ऑफ करते हैं। एटीएम के अंदर भी हैकिंग होती है, एटीएम के लिए भी सरकार ने कहा था कि एटीएम के अंदर हैक हो रही है, जनता को ध्यान देना चाहिए, तो ईवीएम पर भी हमें सोचने वाली बात है। दूसरी एक बड़ी बात कहता हूँ कि हम ईवीएम का उपयोग क्यों करते हैं, क्योंकि जल्द से जल्द मतगणना हो और इसके अंदर कुछ गलत ना हो, लेकिन 9 तारीख और 14 तारीख का ईवीएम हमें 5 दिन 7 दिन और 10 दिन और हिमाचल का 1 महीना तक हमें बंद कमरे में रखा गया। ये बार बार चुनाव कमीशन के अंदर लोगों ने एफआईआर मतलब पूछा भी उनको एफआईआर भी किया अंदर की, भाई यहाँ पर नमो नाम का वाईफाई क्यों चल रहा है, यहाँ पर कई ऐसी आदिवासी सीट पर जहाँ पिछले दरवाजे को तोड़कर कुछ लोग अंदर जाते, तो ये सब सोचने वाली बात है। सोचोगे तो मैं मानता हूँ कि आने वाले भविष्य में काफी अच्छा होगा। देखो मैंने बार बार कहा था कि हम इस मुद्दे पर बड़ी बात करेंगे, बड़ी बहस भी करेंगे और काफी लड़ेंगे, क्योंकि मैं मानता हूं कि जो जापान इजराइल जो टेक्नोलॉजी के मामले में इतने बड़े देश है, फिर भी वो अपने देश का चुनाव टेक्नोलॉजी के भरोसे नहीं करता, तो आज हमारे देश के अंदर ये सारी बात होती है तो हमें सोचने लायक है। हार्दिक, ऐसा क्यों है कि जब कन्वीनियंट है, देखो हमें जितना भी हमारे सूत्रों के द्वारा हवालों से जितनी भी माहिती थी, मैंने नाम लिखा है, हमने नाम शायद सोशल मीडिया में कहा था, सुजल शाह नाम का एक बड़ा अहमदाबाद की एक बड़ी कंपनी है जो भारतीय जनता पार्टी के साथ काफी कनेक्टिविटी है, उन्हीं के कंपनी के द्वारा ये पूरा मामला चलाया गया है। आप जहाँ तक देखो आदिवासी एरिया के अंदर, खास तौर पर आदिवासी समुदाय और खास तक जहाँ ठाकुर और पाटीदार वोट बैंक है, वहां पर ईवीएम का ज्यादा उपयोग हुआ है। सूरत के अंदर देखने वाली बात है कि वराछा सीट के अंदर टोटल 1,57,000 वोट है।